कुटेनियस माइकोसिस ये जैसे कि हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि जी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट ठीक है तो ये जो हमारे कुटेनियस माइकोसिस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ठीक है स्टूडेंट के परस्पेक्टिव है ना जी यूक्यूज़ कौन से हैं जी हमारे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दोर्शन ऑफ माइकॉलॉजी ठीक है so, माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में माइकोलॉजी में से आपको एस आना ही आना है और ऑब्वियसली एमसीक्यूज भी आने ठीक है ये आपके ट्रॉस पे है सो कुटेनियस माइकोसिस सो कुटेनियस माइकोसिस में सबसे फिर इंपॉर्टेंट क्या है डर्मेटोफाइट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कुटेनियस माइकोसिस आर डरमेटोफाइट्स ठीक है अच्छा इनके तीन चार किस्म के नाम हैं अब डर्मेटोफाइट्स के कुटेनियस माइकोसिस the most important ones are the dermatophytes and what are the cutaneous mycoses and why we call them cutaneous mycoses they only affect skin hair and nails the keratinized tissue they only affect the keratinized tissues तो आप हम सबको पता है कि जो भाई स्किन की हेयर की और uh, नेल्स की जो uh, हमारी एपिथीलियम है इट इज़ द्रेटनाइज्ड एपिथीलियम, तो इट कैन ओनली इफेक्ट दीज एरियाज ठीक है स्किन पे इफेक्ट होगा हेयर पे होगा और नेल्स पे होगा अच्छा द कुटेनियस माइकोसिस द पोर्शन डरबेटोफाइड्स ऑल्सो हैज वेरियस अदर नेम्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीनिया इन्फेक्शंस ठीक है दे आर आल्सो कॉल्ड टीनिया इन्फेक्शंस और प्लीज़ इनको टीनिया जो टेप वर्म्स हैं टीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम उनके साथ मिक्स नहीं करना ये हरकत स्टूडेंट बहुत करते हैं प्रॉफ्ट ठीक है वहाँ पे प्रोफेशनल एग्जाम का पेपर चेक करो जाके यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह लिखा होता है टीनिया सोलियम टीनिया सेजिनेटा प्लीज़ दे आर टेप वर्म्स हे द टीनिया इन्फेक्शन इज एन अदर नेम फॉर द डरमेट्रोफाइट्स विच आर द कोटेनियस माइकोसिस ठीक है अच्छा अब इनमें विद इन दिस डोमेन ऑफ द डोमेटोफाइट्स हमारा सबसे कॉमन एक यूक्यू होता है व्हाट आर दी थ्री जेनरा ऑफ टोमेटो ठीक है व्हाट आर दी थ्री जेनरा ऑफ डोमेटो ये क्वेश्चन हमेशा होता है इनके नाम आपको आने चाहिए दे आर दी डर्मोफाइट्रॉन मुश्किल मुश्किल नाम है पर कोई नहीं जिंदगी भी मुश्किल ही है आसान कुछ नहीं होता एपी देन ट्राइकोफाइटॉन ठीक है एंड देन तीसरा नाम है माइक्रो स्पोर सो अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन दैट व्हाट आर थ्री जेनरा ऑफ डरमेटोफाइट दे आर द एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम ठीक है अब ट्राइकोफाइटॉन के आगे, आगे आपकी बुक में जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की आपकी टेक्स्ट बुक है ठीक है उसमें आगे बहुत अजीबोगरीब किस्म के नाम लिखे हुए हैं तो ऑब्वियसली आपको याद करने पड़ेंगे दे आर दी ट्राइकोफाइटोन शॉन लीनी ठीक है फिर एक है वहां पे ट्राइकोफाइट्रॉन ट्रॉन्सोरेंस फिर एक नाम है ट्राइको रुब्रम ठीक है सबके सब ये सब जो इन्फेक्शंस करते हैं दीज इन्फेक्शन आर कॉमनली कॉल्ड टीनिया कैपिटिस ठीक है ना व्हाट आर द वेरियस क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस व्हाट आर द वेरियस क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ दीज डोमैटोफाइट्स दे आर डिस्क्राइब्ड बाय दिस टर्म टीनिया इन्फेक्शन ठीक है वो कौन कौन सी है वेरियस डिफरेंट टीनिया कैपिटस ठीक है टीनिया कार्पोरस नाम इनके लिख लें फिर आपको सब बताते हैं क्या क्या होते हैं टीनिया कैपिटस टीनिया कारपोरस टीनिया पैडिस टीनिया क्रूरस और टीनिया अंगुआ ठीक है अच्छा अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रॉफ में जब आता है ना व्हाट आर द वेरियस जेनरा ऑफ डरमेटोफाइट्स तो उसका आंसर होता है एपिडर्मोफाइटॉन ट्राइकोफाइटो माइक्रोस्पोरम कभी कभी आ जाता है व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ डरमेटोफाइट्स तो वो वेरियस टाइप्स पर यही होती हैं एपीडर्मोफाइटोन ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम न द टीनिया कैपिटस टीनिया कारपोरस टीनिया पैडस टीनिया क्रोरस टीनिया अंगोम दे आर ऑलसो द वेरियस टाइप्स वे आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ठीक है तो जो अक्लमंद स्टूडेंट होता है ना वो ये करता है कि अगर क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो ना तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स ठीक है वो ये भी लिख देते हैं ये भी लिख देते हैं थ्री जनरल आए ना तो फिर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है दे आर द एपिड्रमोफाइटॉन ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम टाइप्स आए तो देन यू हैव टू राइट दिस एंड यू आल्सो हैव टू राइट दिस ठीक है टीनिया कैपिटस नाम से ही है कहाँ पर आपकी uh, सर की ठीक है टीनिया कैपिटस में देयर विल बी इन्वालमेंट ऑफ द स्कैल्प एंड हेयर ठीक है और यूजली ये ट्राइकोफाइटॉन जो है ये सारे आपके टीनिया कैपिटल करते हैं ठीक है बाकी भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा ये करते हैं स्पेशली ये ट्रिकोफाइटॉन शॉन लिनी रुब्रम ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ टीनिया कैपिटल करते हैं कार्पोरस पूरी बॉडी के ऊपर ठीक है पूरी बॉडी के ऊपर जब हो जाएगी तो वो डेट्स कॉल्ड कार्डपोरस पेडस ऑब्वियसली पैर फीट ठीक है उनकी एथलीट्स फीट एक बड़ी कॉमन आपकी इसकी एग्जाम्पल होती है आपकी बुक में बड़ा कॉमन एम सी होता है एथलीट्स फूड ठीक है क्योंकि व्हाट आर द वेरियस कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दीज इन्फेक्शन वो है जी आपकी हॉट एंड ह्यूमड कंडीशन ठीक है हॉट और ह्यूमड कंडीशन जिसमें इस वक्त मैं इस कमरे में बैठी हुई ठीक है क्योंकि अब ये अब गर्मी हो गई है अप्रैल का महीना है और मुझे पंखा बंद करना पड़ा है क्योंकि अगर पंखा मैं चला रही थी तो फिर वो वीडियो के अंदर वो घूं 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 की आवाज़ें आती हैं ठीक है सो सच अ सेक्रीफाइज द टीचर इज़ डूइंग ताकि आपकी वीडियो जो है इसमें आवाज़ें ना आए तो हॉट एंड ह्यूमड एन्वायरमेंट ठीक है तो ज़ाहिर जो एथलीट्स फूट हैं वो हर वक्त बेचारा के वो बूट्स बूट, बूट जराबों में बंद रहते हैं तो टीनिया पैडस ठीक है टीनिया क्रोरस आपके जो इंग्वाइनल एरियाज के बॉडी फोल्ड्स हैं वहाँ पर टीनिया क्रोरस ऑल्सो कॉल्ड द जॉक्स एच ठीक है जॉक्स एच ये भी कहते हैं इसको और टीनिया अंगूम अंगुअम मीन्स नेल्स ठीक है नेल्स की जो फंगस इन्फेक्शन है इट्स वेरी वेरी कॉमन बड़ी कॉमन होती है ठीक है डर्मा के वार्ड में कल को अगर आपको हाउस जॉब करने का मौका मिले तो कॉमनली वहां पर यह डरमेटोफाइट्स के पेशेंट्स आते हैं डर्मेटोफाइट्स आल्सो कॉल्ड टीनिया इन्फेक्शन दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिंग वम इन्फेक्शंस ठीक है दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिंग वम इन्फेक्शन ये तीनों नाम सेम ही है ठीक है वो इंडिया के टीवी पर एक बड़ा अच्छा एड आता होता है रिंग गार्ड वो एक ट्यूब होती है तो रिंग गार्ड का एक ऐड आता है आई विल सजेस्ट यू पीपल कि आप लोग वो जरूर देखें रिंग गार्ड का एड वो पे याद रहता है टिपिकल इन्फेक्शन है इट इज राउंडेड ठीक है रिंग फॉर्म दैट्स वॉट कॉल द रिंग वर्म इन्फेक्शन एंड देर आर पेप्यूल्स

हेयर नेल्स ये एग्जाम में अगर भूल जाए ना तो इस तरह मशे जा सकते स्किन हेयर नेल्स ठीक है दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रिंग वॉर्म इन्फेक्शन और फिर ट्राइकोफाइटॉन के आगे डिफरेंट नेम्स हैं ट्राइकोफाइटॉन शॉन लीन ट्रांसोरेंस रूबरम अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि जो एपिड्रमोफाइटॉन एंड ट्राइकोफाइटॉन है ना द ट्रांसमिशन इज फ्राम ह्यूमस टू ह्यूमन्स ठीक है ये ह्यूमन टू ह्यूमन इनकी ट्रांसमिशन uh, होती है सिर्फ जो माइक्रोस्पोरम है ना ये एनिमल्स टू ह्यूमंस भी होता है ठीक है ये एनिमल्स टू ह्यूमंस भी है मतलब आपके घर में कोई कुत्ते बिल्लियाँ आपने पाले हुई है ना तो उनमें भी माइक्रोस्पोरम से डर्मेटोफाइट रिंग बम इन्फेक्शन हो सकती है और फिर उनसे ह्यूमंस को भी हो सकती है ठीक है हार्ट हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ये ज़्यादा होती है ये भी हमने बात कर ली अच्छा देन टॉकिंग अबाउट दिसनिया कैपिटस देर आर टू कंडीशन इन दिसनिया कैपिटस द वन इज़ कॉल्ड फेवस एंड द अदर इज़ कॉल्ड कीरियन ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है जो फेवर्स होता है ना इसमें क्रस्ट्स होती हैं आपके स्कैल्प के ऊपर क्रस्ट्स बनी हुई होंगी और जो कीरियन होते हैं इसमें उसके ऊपर इन्फ्लेम्ब पॉस्टुलर लियन्स होंगे ठीक है देर विल भी सम इन्फलेम्ड पास्टोरल लियंस इन द कीरे और जो आपका फेवर्स है फेवर्स में आपके क्रस्ट फॉर्म होते हैं और ये ट्राइकोफाइटॉन स्पीशीज जो होती हैं यूजअली ट्राइकोफाइटॉन स्पीशीज जो है ये उनसे ये आपके फेवर्स और कीरेऑन होते हैं अच्छा फिर एक कंडीशन है एंडोथ्रिक्स अब जाहिर है जब इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्कैल्प होगी तो हेयर भी तो इन्वॉल्व होंगे ठीक है तो so, एंडोथ्रिक्स है कि ये अगर एक बाल है तो द इन साइड ऑफ द शैफ्ट ऑफ द हेयर विल ऑल्सो बी इफेक्टेड बाय दिज ड्राइको स्पीशीज ठीक है तो उसको फिर उस कंडीशन को कहते हैं एंडोथ्रिक्स अगर बाल बाहर बाहर से इफेक्टेड होगा दैट्स कॉल्ड एक्सोथ्रिक्स अंदर से होगा दैट्स कॉल्ड एंडोथ्रिक्स एंड यूजली द टेस्ट फॉर दिस इज वुड्स वुड टेस्ट कौन सा टेस्ट वुड्स लैम्प टेस्ट ये एक वुड्स लैम्प होता है वो बाल जो है ना वो पेशेंट का वो वहाँ से लेकर और उसको फिर एक कागज़ के अंदर आप फोल्ड करके तो लेबॉर्ट्री में भेजेंगे तो वुड्स लैम्प में फ्लोरिसंस लाइट होती है तो उसमें वो आप, आपका वो जो फ्लोरिसेंट लाइट लाइट से फिर आपको ये नजर आएगा ठीक है एंडोथ्रिक्स अच्छा ये हो गया अच्छा अब इसकी कॉमन डायग्नोसिस uh, क्या है सबसे कॉमन दो चीजें हमेशा जितनी भी फंगल इन्फेक्शन होती हैं उनमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एक होती है जी टेन परसेंट के ओ एच यू विल डू द माइक्रोस्कोपी बाई पुटिंग द टेन परसेंट के ओ एच ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है माइक्रोस्कोपी बाई पुटिंग द टेन परसेंट के ओ एच ऑन द स्लाइट ऑन द स्पेसिम और फिर इनका जो एगार होता है वो एक ही होता है दैट इज कॉल्ड द्ड्स है ठीक है उसके अंदर स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि जो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते सिर्फ फंगस ग्रो करते हैं और यूजुअली और ये वीक्स में आता है ठीक है एक वीक से दो वीक आपको लगते हैं उसके ग्रोथ के लिए ठीक है अच्छा स्पेसम्स क्या होंगे स्पेसम्स अगर स्किन के ऊपर है तो वहाँ से आप यूँ करके आ, स्क्रैपिंग्स ले लिंग बिंग अ डॉक्टर ये आपका काम है ठीक है आपको पता होना चाहिए कि किस तरह लेना है अगर हेयर है तो उस वहाँ से हेयर लेके वो उससे ट्वीजर से वो आप भेज दें अच्छा नेल है तो वो जो इफेक्टेड पोर्शन है ना सिर्फ वो काट के आपने भेजना है ठीक है जितना अच्छा स्पेसमन होगा एज अ डॉक्टर हमें पता होना चाहिए कि जितना अच्छा स्पेसमन होगा उतनी अच्छी डायग्नोसिस होती है जब ही ठीक नहीं होगा तो फिर लैब्स को तो इतराज करने का कोई तुक नहीं बनता ना जो कि हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि कहना है कि जी लैब्स गलत हैं आपने ही गलत सही नहीं लिया ठीक है तो वो जो नेल्स का आपने स्पेसिमन लेना है तो उसमें एक बात बीइंग अ डॉक्टर आपने सारी जिंदगी याद रखनी है कि कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि दीज स्पेसिमन ऑफ द स्किन स्क्रैपिंग्स ठीक है बाल तो चलो काले होते हैं कोई इशू नहीं द नेल स्क्रैपिंग्स आर द पोर्शन ऑफ द नेल आर द स्किन स्क्रैपिंग्स ट्राई टू फोल्ड दैम इन अ कलर्ड पेपर अगर आप वो एक वाइट कलर के पेपर के अंदर ही वाइट से स्किन sk के स्केल्स और नेल्स के पोर्शन डाल के वो भेज देंगे वो गिर गा जाएंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा ठीक है तो ये एक भी, भी एक प्रोटोकॉल होता है जिस वन ऑफ द एस कि कोशिश करें कि वो डार्क आप एक पेपर लेके उसके अंदर फोल्ड करके लैब में भेजें ठीक है तो लैब में उनका एग्जामिनेशन उन पोर्शन का दे, दे विल डू बायो पुटिंग द टेन परसेंट ऑन द स्लाइड एंड एंड कल्चर यूजली टेन परसेंट के एग्जामिनेशन इज कन्फर्म्ड ठीक है ये हाइफा की फार्म में होती है आपको पता है ना फंगस जो है या यीस्ट होती हैं या मोल्ड्स होते हैं तो ये यूजली दे आर इन द फॉर्म ऑफ मोल्ड्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ दे आर इन द फॉर्म ऑफ हाइफा ठीक है यूं करके ऐसे करके आपको ये यूं यूं करके हाइफा नज़र आते हैं ठीक है फिर जो फंगस होती है आपको पता है इसके अंदर इनके सेक्सुअल और रिसेक्शुअल स्पोर्स भी होते हैं तो फिर इनके कभी कभी आपको जो है वो वहाँ पर स्पोर्स भी नज़र आएंगे ठीक है स्पोर्स भी आपको जनाब नजर आ सकते हैं आपको हाई हाइफा के फॉर्म्स में भी वहाँ पे नजर आ सकते हैं तो ये चीज़ें आपको के ओ एच की आ, उसमें माइक्रोस्कोपी पे नजर आएंगी और फिर आपने कंफर्म करना है तो यू कैन ड्रो इत दैबराड्स एगार अच्छा फिर अब यहाँ पे एक बिल्कुल छोटी सी एक बात है एक और कि आई रिएक्शन एक चीज़ इसमें है कि वट इज आई रिएक्शन ये भी प्रॉफ में पूछ लेते हैं वट इज द आई रिएक्शन कुछ भी नहीं है आई रिएक्शन इज नथिंग इन इन आई डी रिएक्शन देर आर वेजिकल्स ऑन द टिप्स ऑफ द फिंगर्स इधर ठीक है यहाँ पे कुछ वेजिकल्स बने होंगे एंड दीज वेजिकल्स आर अ रिएक्शन टू द सर्कुलेटरी ऑफ दीज डरमेटोफाइट ठीक है ये एक आप आपका एक वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स द ऑन द फिंगर्स और ड्यू टू द सर्कुलेटरी एंटीजेंस इन इन द बॉडी ठीक है तो जी ये हमारा जनाब एक ओवरऑल छोटा सा इजी सा फॉर्मेट है of the dermatophytes or the tinea infections are the ringworm infections which are very very important university question